बॉलीवुड इंडस्ट्री के दबंग खान सलमान खान आज 58 साल के हो गए हैं और अभी तक शादी नहीं की है। उनके फैंस बेसब्री से उनका इन शादी का इंतजार भी कर रहे हैं। हालांकि भाईजान सलमान खान जो कि शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि वो अपनी संपत्ति किसके नाम करने वाले हैं। उनके परिवार में माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, भांजा भांजी सब हैं, लेकिन सलमान खान की संपत्ति का वारिस कौन होगा, इसे लेकर उनके परिवार वाले सोच में हैं। आप लोगों को बता दें कि सलमान खान बॉलीवुड के हाई पेड एक्टर में से एक हैं और लगभग हर साल उनकी फिल्म आती है जो बॉक्स ऑफिस पर छप्पर फार कमाई करती है। इसके अलावा ब्रांड जो कि एडवर्टाइजमेंट से भी सलमान खान मोटी कमाई करते हैं। ऐसे में जो कि वह कुल 3000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं और उनकी संपत्ति का किसी का हक होगा, आइए हम आपको लोगों को बताते हैं। रिपोर्ट की माने तो सलमान खान अपनी संपत्ति के 4 हिस्से करेंगे, जिसमें वह अपने दोनों भाई अरबाज खान, सुहेल खान और बहन अलवीरा खान और अर्पिता खान के नाम करेंगे। उनके संपत्ति उनके भाई बहनों के बराबर बांटी जाएगी। भले ही सलमान खान ने शादी ना की हो, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ में कई जो कि एक्ट्रेस को डेट किया है और सलमान खान का संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ के साथ लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे और हर एक के साथ उनकी शादी के भी चर्चे हुए, लेकिन उनका रिश्ता ये नहीं टिक पाया। ऐसे में एक एक्ट्रेस जो आज भी सलमान खान के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बोलती है, वो सोमी अली खान। कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक था और वह एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे। फिलहाल अब सलमान खान मॉडल जो कि मॉडल का नाम एक्ट्रेस लुलिया वेंतूर के साथ भी जुड़ा था, जो कि आप लोग भी जानते हैं, लेकिन आज सलमान खान किसी के रिलेशनशिप में नहीं है। ये हमसे और आप लोगों से छिपा नहीं है।